मैं गली गली में रहने वाला हूं। जब बाबा ने ये शब्द कहे तो शिरडी के भोले भाले गांव वाले भला कहां इस बात को समझने वाले थे। उनके लिए तो बाबा मतलब उनके गांव में भिक्षा मांग के जीने वाले एक सीधे साधे फकीर ही थे। लेकिन भविष्य के पन्नों में क्या क्या छुपा हुआ होता है ये एक सीमित बुद्धि वाला इंसान भला कहां समझ सकता है। वैसे ही बाबा के द्वारा कहे गए ये शब्द बहुत ही अर्थपूर्ण थे और उन वचनों की सार्थकता हमें आज स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। जब बाबा शिरडी की गलियों से निकलकर देश विदेश के गली मोहल्ले में जाकर विराजमान हो गए, लेकिन बाबा ने लगभग 120 साल पहले या फिर उससे भी पहले कहे गए शब्दों ने जब सत्यता का रूप लिया तो क्या क्या घटा, भक्तों के किस प्रकार के अनुभव थे जिससे साईं धामों का निर्माण हुआ, आइए हम जानते हैं ऐसे ही कुछ साईं धामों के बारे में। शुरू करते हैं अपना सफर, यात्रा साईं धाम की। गुरु विनंती मी करी, हृदय मंदिरी आबसा, समस्त जगहे गुरु स्वरूपची ठसो मानसा। सांसारिक सुख की कामना करने वाले भक्तों का तो कोई अंत ही नहीं, लेकिन बहुत कम ऐसे भी भक्त हैं जो लौकिक कामनाओं की पूर्ति की इच्छा भी नहीं रखते। वो तो बस चातक पक्षी की तरह ईश्वर की अमृत रूपी बूंद की प्राप्ति की ही कामना रखते हैं, और इसी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है श्री साई बाबा के परम भक्तों में से एक श्री काका साहेब दीक्षित जी। जो अपनी अथक मेहनत और प्रयास से सफलता के उच्चतम सोपान पर पहुंचने के बाद भी सिर्फ ईश्वर प्राप्ति की ही अभिलाषा करते रहे। तभी तो वो अपने मित्र श्री नाना साहेब चांदोरकर जी से जब मिले तो उन्हें पहली मुलाकात में ही उन्होंने कह दिया कि जब मैं आपके गुरु के दर्शन करने के लिए जाऊंगा तो उनसे शारीरिक पंगुता के लिए नहीं किंतु मन की पंगुता दूर करने के लिए प्रार्थना करूंगा। इस प्रकार की परिपक्वता, विचारों की इतनी उच्चतम अवस्था, ये किसी साधारण इंसान की नहीं बल्कि ईश्वर के किसी पिपासु की ही हो सकती है, जो संसार के समस्त वस्तुओं से अनासक्त हो। आज हम आपको लेकर आए हैं श्री काका साहेब दीक्षित जी के वंशजों द्वारा बनाए गए मंदिर में, जो मुंबई में विले पार्ले में स्थित है। आइए अंदर चलकर इस पवित्र साई धाम के दर्शन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी को। जिस माटी का कण कण गाए लीला साई राम की। I'm
2 नवंबर 1909 में पहली बार श्री काका साहेब दीक्षित जी ने बाबा के दर्शन किए। बाबा के दर्शन करने के पश्चात दीक्षित जी का हृदय प्रेम के कारण द्रवित हो गया और आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। भाव विभोर होने के कारण दीक्षित जी के शरीर का रोम रोम पुलकायमान हो गया, गला रुंध गया, चित्त हर्ष विभोर हो गया और शरीर पसीने से लथपथ हो गया, देह कंपायमान हो गई, मन आनंद मग्न हो गया और प्रेमाश्रुओं के कारण नेत्र अर्ध खुले ही रह गए। आज मेरे नेत्र सफल हो गए, ऐसा कहते हुए वे बाबा के चरणों में लिपट गए। उन्हें श्री साई की पूर्ण कृपा प्राप्त हो गई और उन्होंने अपनी देह श्री साई की सेवा में अर्पित कर दी। बाबा की सेवा ठीक प्रकार से हो इसलिए उन्होंने एक घर का निर्माण भी किया। दिसंबर 1910 में काकावाड़ा का, यानी जिसे दीक्षित वाड़ा भी कहते हैं, उसका शिलान्यास किया गया। बाबा की कृपा से सिर्फ 5 महीनों में अप्रैल 1911 में भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। काका के विचारों को बाबा जान चुके थे इसलिए बाबा ने कहा था, मैं अपने काका को विमान में ले जाऊंगा, यानी उन्हें जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त करूंगा, सदगति प्रदान करूंगा। तम ब्रह्मस्यामि संपतभ्यो यस्य च इच्छामि अनुग्रहम्, अर्थात मैं जिसे आशीर्वाद देने की इच्छा करता हूँ उसे सभी प्रकार की मोह माया से दूर करता हूँ। श्री हरि सीताराम दीक्षित, यानी काका साहेब दीक्षित जी, इनके लिए ये श्लोक बिल्कुल ही सटीक बैठता है। श्री दीक्षित जी का श्री साई दरबार में इतना महत्वपूर्ण स्थान पाने का मुख्य कारण ये था कि वो शिरडी संस्थान की विकास तथा उन्नति के लिए जीवन पर्यंत समर्पित रहे। वे संस्थान के संस्थापक व मानद सचिव के रूप में मृत्यु के क्षण तक, यानी 5/7/1926 तक सेवा में संलग्न रहे। श्री दीक्षित जी ने लाखों भक्तों के हृदय में साई भक्ति की ज्योति जलाई, जिससे भक्त शिरडी दर्शन के लिए उत्कंठित और प्रेरित होते रहे। उन्होंने संस्थान से साई लीला नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। यह पत्रिका बाबा के वचनों एवं उपदेशों को भक्तों तक पहुंचाने का एक उत्तम माध्यम बनी। अब हमारे साथ है एक खास व्यक्ति। ये व्यक्ति है श्री काका साहेब दीक्षित जी की पौत्र श्रीमती निर्मला शरद कुमार दीक्षित जी। निर्मला जी, हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और इस यात्रा में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि हमने इस पवित्र साई धाम के दर्शन तो किए, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इस साई धाम की नींव कैसे रची गई, इसका निर्माण कैसे हुआ, वो प्रेरणा स्रोत क्या था? वो प्रेरणा स्रोत है मिस्टर सतपति जी, दिल्ली वाले, हम लोग उनको गुरुजी बोलते हैं। ये भव्य मंदिर साईं बाबा की कृपा से और सतपति जी के मार्गदर्शन में ये जो मूर्ति बनाई मिस्टर तालिम ने, जिन्होंने शिरडी की जो साईं बाबा की मूर्ति है उनके दादाजी ने बनाई और ये मूर्ति उनके पुत्र नॉट पौत्र उन्होंने बनाई। तो इस तरह से जब उनका आना हुआ, आना भी इस तरह से हुआ कि मेरा बेटा तब दिल्ली में नौकरी करता था और उसको यहाँ आया हुआ था तो उसको वापस जाना था, तो काम से आया और एयरपोर्ट पे चाय पीने के लिए बैठा, इतने में एक महापुरुष आए और उन्होंने बोला, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? तो बोले कि हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब वो वहाँ पर बैठे तो जैसे कि हमेशा हम लोगों का भी होता है
कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो ऐसे सतपति जी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। बोले मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बोले मैं तो अभी बॉम्बे आया। अच्छा अच्छा, कभी आओ दिल्ली तो मिलना। तो बोले मैं वहीं रहता हूँ। और इस तरह से दोनों ने अपने अपने कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स एक्सचेंज किए, चले गए वापस। और उन्होंने उनके दूसरे भक्त को फ़ोन किया कि ये नंबर मेरे को है और मेरे को इसका इसका एड्रेस चाहिए। तो जब वो दिन तय हुआ सतपति जी आने वाले हैं करके, तो वो इंसान और मेरे देवर, वो दोनों उनको एयरपोर्ट पे लेने गए। और दोनों आए, उस समय वो ड्यूटीज़ में थे, सूटेड बूटेड पूरे गाड़ी में, इधर पुलिस इधर पुलिस, सब लोग देख रहे हैं कि ये कौन आए इनके यहाँ पे। और सीधे आके नीचे जो साईं बाबा का पोर्ट्रेट है जयकर ने बनाया हुआ, वो पूरे साष्टांग दंडवत किया उन्होंने। अपन जैसे हैं, अगर ऐसे बोलेंगे यहाँ नीचे सो के दंडवत करो तो बहुत साड़ी अच्छी है ये अच्छा है करके हम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने पूरे उसमें किया। तब उन्होंने ये बात बोली बाबा ने कि दीक्षित, अगर काका साहब के अपन लोग भक्त हैं तो साईं बाबा के हम भक्त हैं और भी लोग हैं बहुत सारे हैं, तो अपन यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं। तो उस समय मेरे देवर को रिटायर होने का थोड़ा टाइम था। जब रिटायर हो गए तो उन्होंने मतलब दृढ़ निश्चय किया कि उन्होंने बोला है अपने गुरुजी हो गए वो, तो अब तो कैसे क्या करना, इस तरह से बहुत विचार विमर्श हुआ कि कैसे करेंगे। तो हमारा आगे बंगलो है और हमारे पीछे बहुत सारी जगह थी, तो विचार किया कि यहाँ पर बन सकता है अगर तो बनाएंगे। कार्य 2008 से ही प्रारंभ हुआ। 2008 में पूज्य गुरुदेव डॉक्टर चंद्रभान सतपति जी ने इस मंदिर का जो फाउंडेशन स्टोन आधारशिला रखा, भूमि पूजन किया। और भूमि पूजन का जो दिन था वो था 3 नवंबर 2008। सो वो परम दिन जिस दिन इस मंदिर का आधारशिला रखा गया, भूमि पूजन किया गया, वो भी गुरुदेव डॉक्टर चंद्रभान सतपति के हाथों से, उसी दिन हम लोगों को यह पूर्ण विश्वास हुआ कि यह मंदिर अपने असली वास्तविक रूप में आएगी। और गुरुजी ने ऐसा आश्वासन दिया कि जिस दिन ये मंदिर बनेगी यह दूसरी शिरडी के रूप में जानी जाएगी, इस तरह से इस मंदिर की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और तुम लोग देखते जाना तुम लोगों के जीवन काल में ही यह दूसरी शिरडी बन जाएगी। आज हम गुरुजी के वचनों को सत्य होते हुए देख रहे हैं। आज देश विदेश से तमाम लोग इस मंदिर में श्री साईनाथ महाराज के दर्शन के लिए आ रहे हैं। जब बाबा सशरीर थे तब जिन लोगों को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उन लोगों ने बाबा के द्वारा प्राप्त हुई कुछ वस्तुओं को एक अमूल्य धरोहर की तरह अपने पास सहेज के रखा। आइए जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में। दो पेंटिंग्स जो साईं बाबा को सामने बिठाकर श्री श्यामराव जयकर ने बनाई थी, और वो पहली पेंटिंग बाबा ने काका साहेब दीक्षित को दी और कहा कि आपके पूजा घर पर रखिए। एक पेंटिंग शिरडी संस्थान के पास है। दो और चीज़ें हैं जो बाबा ने पूज्य काका साहेब दीक्षित को दी थी। एक काका साहेब दीक्षित ने खड़ाव बनाए जो बाबा ने एक दिन पहने थे और उन्होंने काका साहेब दीक्षित को दिए थे, और वो खड़ाव इस मंदिर में है। इसके अलावा चांदी की छोटी सी पादुकाएं जो बाबा ने काका साहेब दीक्षित को दी थी और कहा था कि ये तू अपने पास रख, ये समझ कि मैं तेरे पास हूँ, वो पादुका भी इस मंदिर में है। ओम साईं राम। मेरा नाम स्मिता इनामदार है
और इस तस्वीर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शिरडी में ली हुई तस्वीर है बाबा जब उनके जीवन काल में ली हुई है और उसका उस समय का जो एक बॉक्स कैमरा टाइप का जब आता था जो लोगों ने कुछ देखा होगा एक बड़ा सा कैमरा आता था और उसकी जो नेगेटिव थी वो बहुत कांच की बनी हुई थी और वो नेगेटिव से ये चित्र बनाया है। नवंबर 1909 में पहली बार श्री काका साहेब दीक्षित जी ने बाबा के दर्शन किए। इसीलिए डॉक्टर सीबी सतपति जी जो कि प्रसिद्ध विद्वान एक आध्यात्मिक विचारक लेखक और महान मानवतावादी है जो स्वयं प्रेम सहानुभूति करुणा सादगी विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण और त्याग जैसे जीवन के महान सिद्धांतों के त्रुटिहीन उदाहरण के साथ साथ अपने गुरु के उत्कृष्ट भक्त और एक दार्शनिक और लाखों लोगों के मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने दीक्षित परिवार की भावी पीढ़ी को इस दिन अर्थात 2 नवंबर 1909 को गुरु समर्पण दिवस के रूप में मनाने के लिए उनका मार्गदर्शन किया जो पहली बार 2 नवंबर 2003 से शुरू करके आज तक प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है जिसके लिए वो आज भी उनका मार्गदर्शन करते आ रहे हैं जैसा उन्होंने प्रथम बार किया था और दीक्षित परिवार उनके इस मार्गदर्शन के लिए आज भी उनका आभार व्यक्त करता है। बाबा के सुखकारी दर्शन का आनंद हम सब ने लिया। जिन जिन वस्तुओं को श्री साईनाथ का स्पर्श प्राप्त हुआ था उनके दर्शन करके हमने अपने नेत्र तृप्त कर लिए। इस मंदिर से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जाना, भक्तों का गहरा लगाव हमें इस मंदिर में पग पग पर देखने को मिला। आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। हाँ, लेकिन हमारे इस सफर का ये अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है, क्योंकि ये यात्रा है अमर साई नाम की और उनकी यादों में बने साई धाम की। जय श्री साई।